एवरीवन, सो आज हम देखेंगे फिफ्थ का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सेट 21। लास्ट में हमने देखा प्रॉब्लम सेट 20, क्योंकि क्या था आपको उसमें ऐड करना था, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, माइनस। तो देखिए, सो हम कैसे करेंगे, इफ आई अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो नीचे का नंबर है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, और नीचे वाला ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं नीचे का नंबर सेम है, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको आपको एक बार लिखना है, उसको आपको एक बार लिखना है, और ऊपर वाले को साथ में लिखना है 5 माइनस 1, ठीक है। जो नंबर सेम था उसको मैंने एक बार लिखा और ऊपर वाले को साथ में लिखा। इसके बाद देखिए प्लस और माइनस, माइनस सिंपल देखो, 5 में 1 गया तो 4 बचा, 5 में 1 गया तो 4 बचा, नीचे आ गया 7। सेकेंड सम देखिए, यहाँ पर क्या इक्वल है, नीचे का नंबर सेम है 8 8 7, तो आप 8 को एक बार लिखो, देन 5 माइनस 3। अब देखिए 5 में 3 गया तो आपको 2 मिलेगा, अपॉन में 8। अभी आपको मालूम है 2 1 2 और 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, तो ऊपर आपको मिला 1, नीचे मिला आपको 4, फिर आपका आ गया फाइनल आंसर। सम देखिए, थर्ड सम में क्या है, आपको 9 9, नीचे नंबर सेम है 7 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 9, तो जो नंबर सेम उसको आपको एक बार लिखना है 9 और 8 7 माइनस 2, तो 7 में 2 में लिखा हूँ आपको 5 अपॉन 9। अभी तो कैंसिल होगा नहीं, उसका पैसे ही छोड़ दें। आगे देखते हैं, यहाँ पर नीचे नंबर 8 8 11 11 सेम है, तो 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 11, क्यों 11, बिकॉज नीचे का नंबर सेम था, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक बार लिखिए। अभी देखिए, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में 5 है तो आपको बचेगा 3 अपॉन 11। तो अभी आप सबने 5 देखिए, क्या की बने 9 अपॉन में 13 माइनस 4 अपॉन में 13। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है जो का डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो 13 9 माइनस 4, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर 13 सेम था, तो 9 माइनस 4 कर दिए, इसको हमने एक बार लिखा, तो 9 में 4 का आपको कितना मिलेगा 5 अपॉन में 13, तो ये आपका आ गया आंसर। 6 हम देखते हैं, 7 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन में 10। अब देखिए यहाँ पर 10 10 आपका सेम दिख रहा है, 10 10 आपका नीचे नंबर सेम दिख रहा, तो नीचे हम 10 लिखेंगे, ऊपर 7 माइनस में 3, तो देखिए अभी 7 में 3 का लिखना बचेगा 4 अपॉन में 10। अब देखिए 2 2 4 होता है और 2 5 10 होता है, तो ऊपर मिला आपको 2, नीचे मिला 5, तो ये आपको आंसर आ गया। देखते हैं अभी 9 अपॉन में 12 माइनस 2 अपॉन में 12। तो देखिए अभी आप देखो यहाँ नीचे नंबर सेम क्या है, 12 सेम सेम है, तो उसको आपको एक बार लिखना है और ऊपर का नंबर साथ में लिखना है, ठीक है। 9 में 12 कितना बचा, 7 अपॉन में 12, तो ये नंबर कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे छोड़ दो। नेक्स्ट सम देखते, 8 सम 10 अपॉन में 15 माइनस 3 अपॉन में 15। अभी आप देखो यहाँ पर आपका 15 15 सेम है, 15 सेम है, उसको आपको एक बार लिखना है, ठीक है, और ऊपर वाला साथ में। 10 में 3 का कितना बचेगा, 7 अपॉन में 3, तो देखिए आपका आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन 2 देखिए, जो कि क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो देखिए करते आपका ईजी है, क्या क्यों है,
7/10 ऑफ अ वॉल इज टू बी पेंटेड, मतलब आपकी एक दीवार है यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है समझे, इधर 7/10 ये पूरा कितना, ये सब पूरा, ये पूरा कितना लेंथ कितना, ये पूरा 7/10 इतना पूरा क्या है 7/10 है, तो पहले पूरा पेंट करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, रामू हैज पेंटेड 4/10, मैं इसमें से 4/10 समझे इतना क्या हुआ, रामू ने इतना पेंट कर दिया, 4/10 क्या हुआ, रामू ने पेंट कर दिया, इतना पेंट कर दिया, किसने किया पेंट, रामू ने। अब आपको पूछा कि जो बच्चा हुआ है वो कितना पेंट करना है, आपको पूछा है सो हाउ मैनी मोर नीड्स टू बी पेंटेड, मतलब अब जो रामू ने इतना 4/10 पेंट किया, अब ये बच्चा पार्ट तो है ना, ये पूरा दीवार इतना है उसमें खाली इतना पेंट किए, तो ये जो बाकी है ना तुमको चेक कितना बाकी है, तुमको वो वर्ड में लिखना है। तो देखिए सिंपल सा मैं करते हैं हम लोग अभी, तो को सिंपली आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर दीवार है ये 7/10, आपको ऊपर वॉल सर 7/10, अब ये ना 4/10 था, ये 4/10 और पीछे माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि आपको 7/10 से ये पूरी वॉल है समझो, मैं बोली ये पूरा 5 है, और मैं बोले इसमें से मैंने 2 कर दिया, तो अब बचाव कितना रहेगा, 3 रहेगा, 5-2 करेंगे ना तो आपको 3 मिलेगा ना, ठीक है समझो, ये पूरा वॉल है, ये वॉल पूरा 5 का था, कितने का 5 का था, और मैंने बोला मैंने इसमें 5 में से 2 पेंट कर दिया, तो अब बोले बाकी बचाव कितना रहेगा, आप सिंपली बोल सकते हैं 3, ठीक है। अभी इधर देखिए तो आपको सिंपल क्या करना है, नीचे का नंबर सेम है तो 7-4/10, तो प्लस माइनस माइनस 7 और 4 का कितना बचा 3/10, तो इतना क्या हो गया आपको 3/10 मोर नीड्स टू बी पेंटेड, ठीक है। इतना आपको आगे भी एक्स्ट्रा आपको पेंट करना है, ठीक है, आपको इतना आगे भी एक्स्ट्रा पेंट करना है मतलब, ओके। तो अभी देखिए प्रैक्टिस है, 21 में छोटा स्मॉल है, तो इतना जल्दी आपको उगड़िए, शायद वीडियो 5 या 6 महीने वीडियो रहेगा, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में बताओ, उसको आपको वापस सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू सो मच।